आर्म रेसलिंग में जब हमें पुलिंग स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, ओपोनेंट के हाथ को अपनी तरफ खींचना होता है, तो उसके लिए सबसे बेसिक एक्सरसाइज हम क्या कर सकते हैं जिसमें कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार चाहिए और सिनफ लगाने की क्या पोजीशन रहेगी वो आप देखो। स्ट्रेट ग्रिप रहेगी, हल्का सा रिस्ट को बेंड करके रखना है, जैसे सीधी नहीं रहेगी, हल्का सा बेंड रखना, ग्रिप टाइट लेनी है और पार्शल्स मारने, हाफ पूरा नीचे नहीं जाना। तो इसमें हमें नोटिस क्या करना, एक्सप्लोजिवली ऊपर उठना ताकि हम ओपोनेंट के हैंड को इजीली स्पीड से पुल कर सकें। एक्सरसाइज में एक चीज़ हम और ऐड कर सकते हैं जो बहुत इफेक्टिव है, आइसोमेट्रिक होल्ड करेंगे ऊपर जाके, सेम पोजीशन रहेगी, सिर्फ ऊपर जाके हमें रोकना है और टाइम नोट करना है 5 सेकेंड 10 सेकेंड, उससे आपकी होल्डिंग पावर बढ़ेगी, आप ओपोनेंट के हैंड को पुल करके वहीं रोक के रख सकते हैं, वो प्रेशर मारता रहेगा, अगर आपकी पुलिंग स्ट्रॉन्ग है तो आपका हाथ यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, खुलेगा इजीली, देख लो। अगेन रिस्ट बेंड करके चलते, जितनी देर ऊपर होल्ड करोगे उतना आपका एंड्योरेंस स्टेमिना बढ़ता रहेगा, रिस्ट बेंड रख के पूरा बॉडी को पुल करके ऊपर होल्ड करो, 10-15 सेकंड इजी लग रहे हैं तो वेट लोड कर लो बॉडी को। जो हम पुलिंग के लिए करने वाले हैं उसमें हमें एक पुली चाहिए और एक सिंगल वाला ही हैंडल चाहिए, इसको हम अपने शोल्डर लेवल पे लगाएंगे, ये सेम उस टेक्निक को मिमिक करेगा जब हम टेबल पे आर्म रेसलिंग करते हैं, ये ओपोनेंट का हैंड है, ऐसे समझो ये ओपोनेंट का हैंड है, उसको अपनी तरफ ड्रैग करना है, सेम उस एंगल पे पुली लगाई, अपने अकॉर्डिंग वेट लगाया, रेपिटेशन ज़्यादा नहीं मारने, 6 से 8 रेपिटेशन काफ़ी है, वेट हैवी रखना है और सेम चीज़ रखनी है, एक्सप्लोजिवली पुल करना, स्लोली रिलीज करना, स्ट्रेट रहे बिल्कुल, ऐसे ऐसे आप टेबल पे आर्म रेसलिंग करो, ग्रिप करी और थोड़ा सा पीछे खींचना, ये स्टार्टिंग पोजीशन है, हल्का सा पीछे खींच के यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट कर लीजिए और 3-2-1 इसको एक्सप्लोजिवली पुल करना है। अपने बैक के वर्कआउट में इसको यूजली ऐड करें क्योंकि इसमें हमारे लैट्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, पुलिंग आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इससे, और जो मैंने आपको पहले बताई आने वाली वीडियोस में और आपको ऐसी एक्सरसाइज बताते रहूँगा जिसके लिए आपको कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं चाहिए, किसी तरह का हैंडल स्पेशल नहीं चाहिए, जो मल्टी स्पिनर वगैरह बहुत सारे हैंडल मार्केट में अवेलेबल, आपको कुछ नहीं चाहिए, बेसिक जिम इक्विपमेंट जो अवेलेबल है हर जगह, इससे आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो।